अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने वाली है और ये मुलाकात क्वाड सम्मेलन में होगी। चौथे क्वाड सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई को जापान जाएंगे। इसी दिन वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान की पीएम फुयुमो किशिदा से मुलाकात करेंगे। उनकी जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी होगी, ये जानकारी भारतीय विदेश मंत्रालय ने दी है। इसके अलावा पीएम मोदी जापानी बिजनेस लीडर्स के साथ एक बिजनेस इवेंट में भी हिस्सा लेंगे, साथ ही भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि ये हिंद प्रशांत क्षेत्र और परस्पर हित के दूसरे विश्व मुद्दों पर विचार साझा करने का अच्छा अवसर होगा। बागची ने बताया कि अपने दौरे पर पीएम मोदी जापानी बिजनेस लीडर्स के साथ एक बिजनेस इवेंट में हिस्सा लेंगे। वो जापान में भारतीय समुदाय से मिलेंगे और उन्हें संबोधित भी करेंगे। विदेश मंत्रालय ने क्वाड समिट को लेकर कहा है कि इस बैठक के जरिए वैश्विक नेताओं को समकालीन वैश्विक मुद्दों के बारे में विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलेगा। चीन द्वारा पेंगोंग त्सो पर दूसरा पुल बनाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अरिंदम बागची ने कहा, हमने इस पुल या दूसरे पुल पर रिपोर्ट देखी है, हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दक्षिण कोरिया और जापान की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। उनकी इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के नेताओं के साथ संबंधों को मजबूत करना है। वहीं चीन को यह संदेश देना है कि यूक्रेन और रूस के हमले को देखते हुए बीजिंग को प्रशांत क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को विराम देना चाहिए। बाइडेन गुरुवार को रवाना हुए, वो इस दौरान दक्षिण कोरिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति यून सुक योल और जापान के प्रधानमंत्री फुयुमो किशिदा से मुलाकात कर सकते हैं।